देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए थंबनेल तो आपने देख लिया, क्या आपको देखने आए हो आप इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। समटाइम आप लोग ना ध्यान से नहीं सुनते हैं टीचर्स को, और होता क्या है, देखो x की वैल्यू दी है ना और y की वैल्यू दी है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे ये पूरी वैल्यू, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, या y की वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो पेज भरेंगे और फिर काट देंगे, सॉल्यूशन आएगा नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा। यही फर्क होता है, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं आपको क्वेश्चन में, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते। आपको अभी डायरेक्ट नहीं रखनी है कभी भी x की वैल्यू, अगर इतना आसान क्वेश्चन होता है x की वैल्यू दे दी और ये बताना तो x की जगह वैल्यू रखेगा, इतना तो एग्जामिनर को पता ही है, बच्चा हर कोई पुट करेगा, कुछ तो ट्रिक होगी ना क्वेश्चन में। तो वो होती है कि x की वैल्यू जब इस तरह दी हो ना, cot थीटा प्लस टैन, इसको फर्दर सॉल्व करो कैसे। हमारे को x दिया है cot थीटा, cot थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्या हुआ बेटा, ये क्या मिला मुझे, cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लूंगा तो जब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो क्या मिला बेटा 1 अपॉन, ऊपर 1 नहीं हो जाएगा, चलो करके दिखा देते हैं, ऊपर बना cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लूंगा तो sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आया sin थीटा cos थीटा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी से, ये 1 हो गया। तो देखो ये थोड़ा स्मॉल हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, मतलब cot थीटा प्लस sin थीटा से थोड़ा सा स्मॉलर हो गया, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल हो गया। अब सिमिलरली अब अगर मैं y देखूं, y मुझे क्या दिया हुआ है, y मुझे दिया sec, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos, और इसे लिख सकता हूं cos थीटा, एलसीएम लूंगा तो ये आया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा सिंपल हो गया कॉम्प्लेक्स से। अब इनकी वैल्यू को गौर से देखो, जरा ध्यान से रखेंगे, मैं चाहूंगा आप ना ये अलग अलग सॉल्व करें, जैसे पहले सॉल्व कर लें एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3, इसे सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर इस एक्स से, ये तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट लगा रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें x का स्क्वायर लेना है, यहां पर देखो x का स्क्वायर और x की वैल्यू ये है, इनटू y ऐसी रख दो, तो y क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। आगे देखो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा जी ये देखिए, जो पावर होती है ना, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, ये पावर 1 की भी होगी और इसकी भी, तो 1 की पावर तो कुछ भी कर दो, 1 की पावर 2/3 वो 1 ही रहना है, पर जब कॉस क्यूब की पावर करोगे ना आप, देखो क्यूब की पावर 2/3, तो इस 3 से 3 कट जाना, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, और क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन, और यहां पर क्या बचा, कॉस थीटा, नॉट कॉस थीटा, एक स्क्वायर बचेगा, ये देखिए स्क्वायर भी तो है 2/3, तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास ये सॉल्व होके आ गया सेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलरली देखिए, जब आप ये सॉल्व करोगे ना एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3, तो जानते हो ये क्या आएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। x की वैल्यू रख दी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये x की वैल्यू, और y स्क्वायर, अब y का स्क्वायर करूंगा तो यहां तो क्या हो गया, यहां तो हो गया साइन की पावर 4, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन से एक साइन कट गया तो क्यूब बचाया, और कॉस कॉस एक एरा दो एरे तो कॉस क्यूब, साइन क्यूब और कॉस क्यूब क्या होता है बेटा, साइन क्यूब और कॉस क्यूब ये होगा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा, और ये 2/3 मत भूल जाना, जैसे मैं भूल रहा था अभी, यहां पर टेन क्यूब बचा ना अंदर, अब देखो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, क्यूब से क्यूब कट गया, क्या आ गया ना, आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना था, दिस माइनस दिस, कहां करेगा, अगर यहां कर दे रहे हैं स्टेप, बहुत अच्छे से देखेगा बेटा, यहां पर है मेरी इसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा, और मेरे पास इसकी वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1।
और यही मुझे प्रूफ करना था। मैंने जिस तरह से कराया ना, इस तरह से करके देखिए दो बार, अलग अलग सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व होके आ जाएगा। वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, कुछ स्टेप्स डिफिकल्ट लगे होंगे वो समझ में आ जाएंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन बच्चों के पास जो ये कहते हैं कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये तो कुछ भी नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में जब आप ट्रिगो देखोगे तो वो है रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। टिल देन जय हिंद, जय भारत।